हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर टू। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। यहाँ पे आप लोगों को जो हेडिंग्स दी गई है उसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर्स में राइट करना है। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर्स किस टाइप से राइट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, उसमें हमें बिग से स्मॉल की तरफ आना होता है, मीन्स लार्ज डिजिट से स्मॉल डिजिट की तरफ आना होता है। सबसे बड़ी डिजिट पहले आएगी, उससे स्मॉल, ऐसे धीरे धीरे करके हम जो डिजिट राइट करते हैं उसे को हम डिसेंडिंग ऑर्डर्स कहते हैं। तो यहाँ पर भी आपको जो क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 2/9, 2/3, 8/21। तो इससे आप लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर्स में राइट करना होगा। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले इसे लाइक फ्रैक्शन में करना होगा। लाइक फ्रैक्शन में भी क्या होता है, तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, सब लोगों के जो डिनोमीटर्स होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे 9 है डिनोमीटर्स, 3 है और 21 है, मीन्स आप लोगों को इसे सबको सेम करना है। तो सेम करने के लिए बच्चों आप लोग इसका एलसीएम लोगे। चलिए, तो एलसीएम किस किस का लेंगे हम लोग, यहाँ पे 9 का, उसके बाद 3 का और उसके बाद 21, इस सबका हमें एलसीएम लेना है। तो चलिए इस एलसीएम लेते हैं बच्चों। देखिए 2 के टेबल में आप देखोगे 9 आता है, 3 आता है, 21 नहीं, कुछ भी नहीं आता। तो आप 3 से इसे 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम डिवाइड किससे करेंगे बच्चों, 3 से। तो देखिए 3 के टेबल में 9 आता है, तो देखो 3 3 9 3 टाइम्स में आता है। 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में आता है बच्चों, 1 टाइम्स में। और 3 के टेबल में 21 आपका आता है 7 टाइम्स में, ओके। सो अब यहाँ पे देखेंगे 2 के टेबल से आप डिवाइड कर सकते हो बच्चों, नो। तो 3 के टेबल से करेंगे, तो देखिए कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर 3 के टेबल से ये डिवाइड हो रहा है और ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हमें ये नहीं देखना है कि सारे डिजिट डिवाइड हो तभी राइट करना है, हमें कोई भी डिजिट अगर डिवाइड होती है तो हमें से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में आएगा बच्चों, 1, और 1 तो ऑलरेडी 1 ही राइट करना है और 7 डिवाइड होगा नहीं, तो उसे हम ऐसे कॉपी राइट करेंगे। अब देखिए 7 के टेबल में बेटा यहाँ पे 1 तो राइट करेंगे सेम एज इट इज। अब 7 के टेबल में 7 आपका क्या आ जाएगा, 1 टाइम्स में आएगा। हमें जब तक सोल्व करना है जब तक यहाँ पर 1 1 ना आ जाए, ओके। अब यहाँ देखिए, अब एलसीएम देखेंगे कि एलसीएम क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए जितनी भी डिजिट लिखी गई है वो सब इसका एलसीएम होता है। देखिए 3 × 3 × 7, तो देखिए 3 3 9 9 7 63। तो आप लोगों का बच्चों एलसीएम जो है वो क्या आ गया है, 63। तो आप लोगों को इसे सबको 63 के फॉर्म में करना है। चलिए कैसे करेंगे, 1y करेंगे, 1 जे 2/9 मैंने राइट किया, ओके। तो यहां मैंने लिखा 2, यहां मैंने राइट किया 9। अब यहां देखिए 9 को मुझे 63 बनाने के लिए क्या करना होगा, तो यहां पे देखिए 3 3 9 हो गया, 9 को किससे मल्टीप्लाई किया, 7 से। तो यहां पे हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 से, तो 9 7 जा 63। अब जिस डिजिट से हम मल्टीप्लाई किया है उससे हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। देखिए 9 7 जा 63, तो जिस डिजिट से हम मल्टीप्लाई किया ऊपर भी कर देंगे। तो देखिए 2 7 जा 14 / 9 7 जा 63, ओके, क्लियर हो गया आप लोगों का, 14/63। अब सेकेंड डिजिट हम लेंगे बच्चों, सेकेंड डिजिट आपकी है 2/3, क्या है बच्चों आपकी 2/3। तो देखिए यहां पे राइट करेंगे 2/3। अब यहां देखिए 3 को भी हमें 63 बनाना है, कितना बनाना है, 63। मैंने कहा ना कि सारे जो डिजिट होगी डिनोमीटर उसे हम सेम करना है, तो 3 को 63 बनाएंगे। तो देखिए यहां पे ऑलरेडी 3 है, तो 3 तो 1 टाइम आ गया, बाकी क्या रह गया आपका, एक ये वाला 3 देखिए और एक ये वाला 3, यानी 3 7 जा क्या होता है 21। तो 21 से इसे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, 21 से इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहां देखिए 21 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो आपका आएगा 42, और 3 को हम 21 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 63, ठीक है। अब हमारा लास्ट डिजिट रह गया है बच्चों 8/21, तो यहां पर राइट करेंगे 8/21 = 8/21। अब यहां पर भी देखिए 21 जो है उससे हमें क्या करना है, 21 को हमें 63 बनाना। तो देखिए 3 7 जो 21 ये तो आपका ऑलरेडी दिया गया है इसमें, ठीक है, मीन्स होता है,
तो आपको इससे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, थ्री से। तो यहां हम मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से, तो ऊपर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों थ्री से। तो देखिए एट थ्री जा 24 अपॉन 63। क्लियर हो गया यहां तक आप लोगों का? उसके बाद हमें क्या करना होगा बच्चों, जो 63 है ये तो आपका देखिए सबका कॉमन हो गया है, ओके ऑलमोस्ट सबका आपका कॉमन हो गया है। तो हम करेंगे क्या बच्चों इसमें कि आप लोगों को इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहां पे आप देखिए सबसे लार्ज डिजिट आपकी क्या है, यहां पे देखिए 42 अपॉन 63। तो हम यहां राइट करेंगे 42 अपॉन 63 कॉमा, उससे स्मॉल डिजिट आपकी क्या है देखिए 24 अपॉन 63। उससे स्मॉल डिजिट आपकी क्या है 14 अपॉन 63। चलिए यहां तक तो ऑलमोस्ट बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हमें आगे क्या करना है बच्चों कि इसे इसके ओरिजिनल फॉर्म में लिखना है। ओरिजिनल फॉर्म क्या होता है, जैसे 14 अपॉन 63 का ओरिजिनल फॉर्म क्या था 2 अपॉन 9, उसी प्रकार से हम देखेंगे कि इसमें सबसे हाईएस्ट डिजिट आपकी क्या थी 42 अपॉन 63। तो 42 अपॉन 63 का हाईएस्ट फॉर्म क्या है 2 अपॉन 3। तो यहां हम आंसर्स करके लिखेंगे 2 अपॉन 3 कोमा। अब यहां देखिए 24 अपॉन 63 हाईएस्ट डिजिट थी, तो 24 अपॉन 63 का ओरिजिनल फॉर्म क्या है 8 अपॉन 21। तो यहां हम राइट करेंगे 8 अपॉन 21 क्लियर कोमा। उसके बाद लास्ट आपका डिजिट है 14 अपॉन 63, तो 14 अपॉन 63 का ओरिजिनल फॉर्म क्या है 2 अपॉन 9। सो दिस इज योर आंसर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर्स, ओके स्टूडेंट। एंड चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे। यहां पे अभी आपको लिखा हुआ है 1 अपॉन 5 कॉमा 3 अपॉन 7 कॉमा 7 अपॉन 10। तो इसे भी आपको लाइक फ्रैक्शन मीन्स कॉमन करना है, मीन्स सेम करना है डिनोमीटर्स को। तो डिनोमीटर्स को सेम करने के लिए यहां पर भी हम बच्चों क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ओके। तो एक यहां पे हमें 5, ओके उसके बाद 7 एंड उसके बाद 10, इन सब का हमें क्या लेना है बच्चों, एलसीएम लेना है। चलिए एलसीएम लेंगे फटाफट आप लोगों। चलिए यहां पे आप देखोगे कि 5 ठीक है, 7 और 10 ये 3 डिजिट आपको दी गई है। तो हमें कोई ऐसा टेबल देखना है जिससे सारे डिजिट डिवाइड हो, या फिर कोई डिजिट डिवाइड हो, कोई एक या दो तीन कुछ भी हो सकती है, 1 या 2 डिजिट। तो यहां पे हम देख रहे हैं बच्चों 5 से हम डिवाइड करते हैं, तो 5 के टेबल में 5 तो आ जाता है कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में। 5 के टेबल में 7 नहीं आता है तो उसे ऐसे ही राइट कर लीजिए, एंड 5 के टेबल में 10 आपका आता है 2 टाइम्स में, उसे भी राइट कर लीजिए। अब हम याद कर रहे हैं 2 टाइम्स में, तो देखिये 2 के टेबल में 1 तो करना नहीं, वैसे ही नोट करना है। 2 के टेबल में 7 आता है बच्चों तो नहीं आता, उसे वैसे की वैसे राइट कर लीजिए। लेकिन 2 के टेबल में 2 आपका आता है बच्चों 1 टाइम में, क्लियर हुआ आपका। उसके बाद हमारा लास्ट डिजिट रह गया 7, तो ऑब्वियसली आपको पता है 7 जो होगा वो 7 के टेबल से डिवाइड होगा, तो 7 बन 1 टाइम में आ गया, 7 बन जा 7। तो यहाँ ऑलमोस्ट आप डिजिट देख रहे हो सबकी क्या आ गई स्टूडेंट्स, 1 1 आ गया यहाँ पे। इसका मीनिंग आपका एलसीएम यहाँ पे निकल जाएगा। तो देखिए एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, ये जो डिजिट होती है आपकी बच्चों इसे यहां राइट करते हैं। तो कौन कौन सी डिजिट है, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। तो देखिए 5 टू जा 10 और 10 7 जा कितना होगा आपका बच्चों 70। ओके अंडरस्टैंड, समझ में आया आपको, मीन्स हमारा जो एलसीएम होगा वो 70 यहाँ पे निकल गया है। तो इसे हमें क्या करना है, सबको 70 के फॉर्म में बनाना होगा। तो यहां में हम राइट कर रहे हैं 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। चलिए अब देखिए, अब 5 को हमें 70 बनाना है, तो यहां पे आप देखिए यहां पे ऑलरेडी 5 है, तो मीन्स 5 तो आ गया, तो बाकी क्या रहा आपका 2 एंड 7। तो 2 7 से क्या होता है 14, तो इसको हम 14 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो जो 14 से मल्टीप्लाई किया बच्चों तो उसे भी हम 14 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर। तो देखिए 1 को 14 से किया तो 14 और 5 को 70, तो आपका तो 70 हो ही रहा है, ठीक है। सेकंड आप लोगों को लिखेंगे 3 अपॉन 7, यहां हमने राइट किया 3 अपॉन 7, ओके। चलिए तो यहां राइट करेंगे 3 अपॉन 7। अब यहां देखिए 7 है, तो यहां 7 तो आ गया बच्चों, बाकी क्या रहा आपका 2 और 5। तो देखिए 5 और 2 को मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है 10, तो इसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10
टेन से और ऊपर भी किससे कर देंगे हम टेन से। तो देखिए थ्री टेंजा थर्टी और सेवन टेंजा आपका कितना आता है सेवनटी। उसके बाद हमारा लास्ट है सेवन अपॉन टेन। तो देखिए लिखेंगे सेवन अपॉन टेन। अब हमें क्या करना है टेन को सेवनटी बनाना। तो देखिए टेन मतलब फाइव टू जै टेन, ये आपका ऑलरेडी दिया गया है, तो बाकी क्या रहा आपका सेवन। तो हम उसे सेवन से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए सेवन सेवन जा क्या होता है आपका फोर्टी नाइन और टेन सेवन जा आपका होता है सेवनटी। यहां तक ऑलमोस्ट क्लियर हो गया आपका बच्चों। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे कि इसमें सबसे हाईएस्ट डिजिट कौन सी है आपकी। सो फोर्टी नाइन अपॉन सेवनटी है, तो यहां राइट करेंगे फोर्टी नाइन अपॉन सेवनटी कोमा उससे स्मॉलेस्ट डिजिट स्टूडेंट्स आपकी थर्टी अपॉन सेवनटी एंड देन उसके बाद आपकी फोर्टीन अपॉन सेवनटी। अब हमें क्या करना होगा बच्चों, इसको इसके ओरिजिनल फॉर्म में हमें राइट करना है, ठीक है। ओरिजिनल फॉर्म में हम कैसे राइट करेंगे देखिए 49 अपॉन 70, तो देखिए 49 अपॉन 70 का ओरिजिनल फॉर्म क्या है 7 अपॉन 10, तो यहां राइट करेंगे हम 7 अपॉन 10 कोमा 30 अपॉन 70, तो 30 अपॉन 70 का ओरिजिनल फॉर्म है 3 अपॉन 7 एंड लास्ट आपका है 14 अपॉन 70, तो 14 अपॉन 70 का ओरिजिनल फॉर्म है 1 अपॉन 5। सो आप लोगों का इसका आंसर स्टूडेंट फाइंड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर थ्री, इन अ मैजिक स्क्वायर आर द सम ऑफ नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड ड्यूरिंग द डायगोनल्स इज द सेम इज दिस मैजिक स्क्वायर। बच्चों यहां पे आपको एक जादुई वर्ग मीन्स जादुई स्क्वायर दिया गया है जिसमें आप चाहे रो को प्लस करोगे चाहे कॉलम को प्लस करोगे या फिर डायगोनल्स को प्लस करोगे आपका जो आंसर होगा वो कैसा आएगा बच्चों सेम आने वाला है। इसका मींस ये आपका क्या है जादुई स्क्वायर है। तो इसे हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है चलिए देखते हैं। बहुत इजी ट्रिक है और बहुत अच्छे से आप इसे समझ सकोगे और आप भी कहोगे कि रियल में ये मैजिक स्क्वायर है। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या रो क्या होता है बच्चों कॉलम क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस प्रकार से हमें टेक्स्ट बुक में भी आपको दिया गया है कि फर्स्ट रो, चलिए रो मींस क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए बच्चों। यहाँ पे जो लाइन से होती है इस प्रकार की उसे हम कहते हैं रो और इस प्रकार के होती है उसे हम कहते हैं कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है पहले रो को प्लस करना है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे देखिए वन रो सेकेंड एंड थर्ड थ्री रो आपको प्रोवाइड किए, उसके बाद कॉलम भी आपको वन टू और थ्री भी प्रोवाइड किए गए। तो आपको अंडरस्टैंड हो गया है कि कॉलम क्या होता है रो क्या होता है। उसके बाद हमारा आता है बच्चों डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझा दे रहा हूँ बच्चों। जैसे इस प्रकार का अगर कोई भी चीज हो तो जैसे क्रॉस जो चीजें होती है, ठीक है, एक यहां से निकल रही है और एक यहां से, इसे हम कहते हैं डायगोनल्स। जो यहाँ पे आपको देखिए ये दिया हुआ, देखो इस प्रकार से जो लाइने निकलेगी वो आपकी क्या होगी बच्चों डायगोनल्स होगी। सो अब हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे वन बाय वन, चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे बच्चों किसको रो को, यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है। चलिए तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ था फर्स्ट रो फोर अपॉन इलेवन प्लस नाइन अपॉन इलेवन प्लस टू अपॉन इलेवन। सो यहाँ पे देखिए जो डिनोमीटर से आप लोगों को सेम दिया है इलेवन इलेवन इलेवन, तो इसे हम वन टाइम राइट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए फोर प्लस नाइन आपका कितना होता है बच्चों थर्टीन, थर्टीन प्लस टू आपका क्या होगा फिफ्टीन अपॉन टू, ये आपका फर्स्ट रो आ गया। सो हम देखेंगे यहाँ पे सेकेंड रो, तो लिखेंगे सम ऑफ, क्या लिखेंगे बच्चों सम ऑफ सेकेंड रो, सम ऑफ सेकेंड रो, फर्स्ट रो का आपको दिया था, हम आपको डायरेक्ट सेकेंड रो एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा थ्री अपॉन इलेवन, देखते जाइए बच्चों थ्री अपॉन इलेवन प्लस फाइव अपॉन इलेवन प्लस सेवन अपॉन इलेवन, तो हमारी सेकेंड रो आ गई बच्चों। यहाँ पे देखिए थ्री सबसे पहले हम राइट करेंगे बच्चों यहाँ पे इलेवन,
क्यों 11 राइट करेंगे? जब आपका डिनोमिनेटर सारा सेम होता है तो उसे हम वन टाइम राइट करते हैं, वो मैंने आपको समझाया था। तो देखिए यहां पे हम राइट करेंगे 3 + 5 + 7। तो देखिए बच्चों 3 + 5 कितना होता है आपका 8, और 8 + 7 आपका क्या होता है बच्चों 15/11। देखिए फर्स्ट रो का भी सेम आया, सेकेंड रो का भी सेम आया। अब हम बात करेंगे थर्ड रो का, तो यहां पे लिखेंगे सम ऑफ थर्ड रो, तो यहां पर भी हमें रो लिखना बाकी रह गया था, ठीक है। अब रो मीन्स ये वाला सीधा सीधा जो होता है, लिखेंगे 8/11 + 1/11 + 6/11। सो बच्चों यहां पर भी डिनोमिनेटर्स आपका सेम है, तो यहां पे हम राइट करेंगे 11, उसके बाद 8 + 1 देन + 6। देखिए 8 + 1 9, 9 + 6 15/11। तो आप देख रहे हो बच्चों यहां पे हमने फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो 3 को हमने प्लस कर लिया है, लेकिन 3 का हमारा जो आंसर है वो कैसा आया है? सेम आया है। अभी हमने रो को प्लस किया है तब हमारा सेम आया, अब हमें कॉलम को भी प्लस करके देखना है। तो बच्चों चलो कॉलम को प्लस करेंगे हम लोग 1 by 1, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम कॉलम को, तो यहां पर भी हमको समझ में आता है बच्चों कॉलम क्या होती है। तो कॉलम इस प्रकार से होती है, तो यहां पे हम लिखेंगे सम ऑफ मींस पहली कॉलम का प्लस सम ऑफ फर्स्ट कॉलम, ओके बच्चों सम ऑफ फर्स्ट कॉलम। तो कॉलम में आपका क्या आया, देखिए ये वाली कॉलम आ गई बच्चों, तो लिखा हुआ है 4/11 + 3/11 देन 8/11। तो यहां पे भी देखो डिनोमिनेटर सेम है, मीन्स यहां पे हम राइट करेंगे ओनली 11, 4 + 3 एंड देन 8। सो 4 + 3 वी गेट 7 एंड 8, सो 15/11। देख लीजिए यहां पर भी आपका आंसर क्या आ रहा है बच्चों, एकदम सेम आता जा रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे बच्चों सेकेंड रो का, सॉरी सेकेंड कॉलम का, लिखेंगे सम ऑफ सेकेंड कॉलम, ठीक है। सेकेंड कॉलम में आपका क्या है 9/11 + 5/11 + 1/11, ठीक है। तो आप देखोगे बच्चों यहां पर भी आपका डिनोमिनेटर सेम है, यानी हम इसे राइट करेंगे 11 और ऊपर आपका है 9 + 5 + 1। तो देखिए 9 + 5 = 14 + 1 मीन्स 15/11। सो योर आंसर इज 15/11, देयर आर सेम। नाउ फाइंड लास्ट सम ऑफ थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम को देखेंगे बच्चों, तो थर्ड में आपको क्या लिखा हुआ है यहां पे 2/11 + 7/11 + 6/11। तो देखिए यहां बच्चों राइट करेंगे 11 बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है, ओके। उसके बाद 2 + 7 + 6, तो देखिए 2 + 7 = 9 + 6, तो यहां पर भी आपका बच्चों आ गया 15/11। तो इस प्रकार से हमने कॉलम का भी प्लस किया, तो आपका आंसर क्या आया बच्चों, सेम आ गया है। अब हमारा लास्ट जो रह गया है उससे हम क्या कहते हैं बच्चों, डायगोनल्स। तो हम क्या करेंगे, डायगोनल्स को प्लस करके आपको समझाएंगे कि डायगोनल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो डायगोनल्स में आप देखोगे बच्चों इस प्रकार से जो लाइनें बनती हैं वो हमारी डायगोनल्स होगी। तो लिखेंगे हम लोग सम ऑफ
फर्स्ट डायगोनल्स, चलिए डायगोनल्स में क्या आएगा बच्चों, मैंने आपको कहा 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11, तो यहां पर भी आपका डिनोमिनेटर सेम, मीन्स वन टाइम राइट करेंगे हम, तो 4 + 5 + 6, तो यहां पर भी आपका आंसर क्या आ गया बच्चों, 15/11। अब हम देखेंगे सेकंड डायगोनल्स, सम ऑफ सेकंड डायगोनल्स, ओके, तो यहां पर आपका देखो सेकंड डायगोनल्स कौन सा बनेगा इस प्रकार से, देखिए ये आपका सेकंड डायगोनल्स बन गया बच्चों, ठीक है, फर्स्ट डायगोनल आपका ये बना था, ठीक है, देख लीजिए मैंने ड्रॉ कर दिया एक बार, तो फर्स्ट का तो मैंने कर लिया, सेकंड का भी करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा इसमें आपका, चाहे आप यहां से ले लीजिए चाहे आप यहां से ले लीजिए, चलिए मैं यहां से ले रहा हूं, तो 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11, तो यहां पर भी देखिए बच्चों 11 आ गया आपका, बिकॉज डिनोमीटर सेम है, तो 2 + 5 + 8, तो आपका भी क्या आ गया आपको 15 आ गया है। तो आप देख रहे हो बच्चों, आप लोगों का आपने चाहे कॉलम लिया, चाहे आपने रो लिया, चाहे आपने डायगोनल्स लिया, बट जो आपका आंसर है वो आपका क्या आया है बच्चों, सेम आया है, जिसे हम क्या